नमस्कार, मैं हूं श्याम तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो 24 की च्वाइस। 24 की च्वाइस में आज हम बात करेंगे मिश्रिक लोकसभा की। मिश्रिक लोकसभा जिसे सीतापुर की एक, कानपुर की एक और हरदोई की तीन विधानसभाओं को मिलाकर बनाया गया है। यह SC के लिए सुरक्षित सीट है और पिछले दो बार से यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी जीतते हुए आ रहे हैं। 2014 में जहाँ अंजू बाला ने यहाँ से जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 में अशोक रावत यहाँ से विजयी हुए। अशोक रावत को एक बार फिर से BJP ने टिकट दिया है। वहीं गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर संगीता राजवंशी मैदान में हैं, तो वहीं BR अहिरवार बसपा की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। मिश्रिक में चलेंगे और जानेंगे यहाँ के मतदाताओं की 24 की च्वाइस क्या है। मिश्रिक लोकसभा के पचौर गांव में हम मौजूद हैं। पचौर गांव की एक चौपाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल चर्चाएं कर रहे हैं। इन लोगों से ही मिलेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि इस बार चुनावी माहौल मिश्रिक लोकसभा का किस क्षेत्र में है। इस बार ये BJP प्रत्याशी को रिपीट करना चाहते हैं या फिर इनके मन में बदलाव की बात है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे सीधे जुड़ते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि मिश्रिक में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, च्वाइस क्या है आपकी यहाँ? अभी तो ये है कि माहौल यहाँ पूरा मोदीमय है। हम लोग सिर्फ मोदी को वोट कर रहे हैं। मोदी की जो नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां, उनके आधार पर ही हम लोग भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। और चूँकि मिश्रिक लोकसभा हमारे यहाँ से बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर हमारा सांसद है और ये दुर्भाग्य हम लोग का, हम लोग बिल्लौर विधानसभा में आते हैं और बिल्लौर को मिश्रिक से जोड़ दिया गया है, तो सांसद से मिल नहीं पाते, सांसद देख नहीं पाते और सांसद यहाँ आ भी नहीं पाता है। लेकिन वोट हम लोग सिर्फ मोदी को और मोदी की नीतियों पर दे रहे हैं। सब आप बताइए, क्या लगता है कितना विकास हुआ है क्षेत्र का? विकास तो सब करीब करीब सब अच्छा हुआ है, और क्या बता। मैं लोकसभा चुनाव का दौर है तो ऐसे में वोट आप किसको करने जा रहे हैं, किस चीज़ को देख करके करेंगे वोट? को देंगे वोट, हाँ, लेकिन क्यों देंगे, काहे के, वो हमारी सरकार है, हम उसी में आज जमाना हो गए, बाप पर वो सब गुजर गए। और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए किस तरफ माहौल दिख रहा है इस बार चुनावी यहाँ का, आपकी क्या पसंद है? माहौल तो ठीक चल रहा है। हमारे हिसाब से सरकार से एक ही निवेदन है। आपका निवेदन ये है कि सरकार का जो प्रोसेसन चल रहा है वो सही चल रहा है। जैसे किसान भाई हमारे पीड़ित हैं तो उनका कहना एक ही है कि जैसे अन्य जानवर घूम रहे हैं तो पालते तो हम ही लोग हैं, क्या सरकार पालती? हम ही लोग डीलते हैं, जो समय मिलता है तो हम ही जो रख लेते हैं, कहते भैया मेरी है। तो ये छोटे बड़े वाला जो अपना भावना चल रही है इसको ख़त्म होना चाहिए और सरकार इसी का प्रयास कर रही है। अच्छा, इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं आप लोग? किस वोट? अब वोट तो मजबूरी ये है, इसलिए कि गुंडागर्दी खत्म हो रही इस सरकार से, तो मजबूरी है। गुंडागर्दी खत्म हो रही इस वजह से वोट BJP को? कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। वैसे अब ये बताइए कितना विकास हुआ पिछले कुछ सालों में क्षेत्र का और इस बार चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? चुनावी माहौल ठीक ठाक है, लेकिन विकास के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। क्या विकास हुआ है आप बताइए? जैसे 100 नंबर को 108 कर दिया गया, यही सब विकास हो रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अंबानी की जो Jio थी उसको बढ़ावा दिया गया, सरकारी कंपनी BSNL थी उसको बंद कर दिया गया, पूरे टावर BSNL के, लेकिन लगाई गई Jio उसमें। इसके बाद क्या विकास क्या किया है? विकास क्या किया? कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारे ख्याल से। आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे? जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या रहेगा? हम तो भैया कमली को देंगे, बस यही हमारा कहना है। क्यों, कुछ कारण होगा ना? कारण यही है कि गुंडाइती खत्म हो रही, हम तो गुंडाइती में रहा नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, पहले किस तरीके के हालात थे, क्या आप लूटपाट हो जाती क्षेत्र में? क्षेत्र में क्या, घर से निकलो बाहर फोन वोन छिन जाते थे, अब तो वो तो फिलहाल खत्म हो रहा, तो इसलिए हम तो मोदी की दोगे वोट। सारे सांसद को जानते हैं आप, कौन है यहाँ पे? यहाँ पे हम नहीं जानते, सांसद को नहीं जानते, लेकिन वोट मोदी को देंगे, कमल को देंगे। भाई साहब, आप बताइए क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की, क्या कुछ निराकरण हो पाया पिछले कुछ सालों में यहाँ? हाँ, बहुत काम हुआ, सड़कें बनी हुई हैं। चुनावी माहौल किस तरफ है, किस तरफ जनता ध्यान दे रही है? तो मोदी को हम जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। मोदी योगी, हम उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। सांसद को आपने देखा, कब पिछली बार देखा था सांसद को, क्या काम कराया उन्होंने क्षेत्र में? विधायक यहाँ आते ही नहीं है, वोट खाली उन मोदी के नाम हम लोग दे देते हैं और ना वो कभी संपर्क होता है उनसे, ना विधायक से होता है और ना सांसद से होता है। हम लोग तो योगी मोदी के नाम से वोट देते हैं। और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं
कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के, भाई साहब बताइए क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के, क्या कुछ मुद्दे हल हो पाए, कुछ समस्याएं कम हो पाई? क्षेत्र के मुद्दे सर, सबसे बड़ी यहाँ पचोर गांव की समस्या है, रोड की, नाली की, शिक्षा की, जिस पे पूर्ण रूप से प्रधान 1% भी ध्यान नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव का दौर है, इसमें किस तरफ माहौल देख रहे हैं आप, गठबंधन की तरफ है या फिर बीजेपी की तरफ है? माहौल के हिसाब से चलेंगे तो बस अपना एक ही नारा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। माहौल के हिसाब से तो यहाँ पूर्ण रूप से बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी राम मंदिर की वजह से? राम मंदिर की वजह से, वैसे भी कई मुद्दे हैं जिसमें योगी सरकार खरी उतरी है। कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा का मुद्दा आप ले लीजिए, माफियाओं का मुद्दा प्रथम रूप से ले लीजिए, शांत बिल्कुल चल रहे हैं माफिया जितने भी हैं। स्थानीय स्तर पे काम नहीं हुआ लेकिन जो देश में है, प्रदेश में खूब काम हुआ आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ है काम। इसी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। पचौर गांव कुछ और लोग भी हमसे बात करते हैं, भाई साहब ये बताइए किस तरीके का चुनावी माहौल है यहाँ पर, आप लोगों की क्या च्वाइस है इस बार? यहाँ पे तो स्तर पे तो भाजपा ही है, दूसरा भाजपा है, इसके अलावा कुछ क्यों, क्या कुछ ऐसे काम हुए आपके क्षेत्र में? ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक हम पर्सनल अपनी बात करें, कौन थे अभिनंदन सिंह भदौरिया, वो हेलीकॉप्टर कांड कौन सा था जो हमारे जहन में आज तक है, कोई नहीं करा सकता था कि तत्काल वो लेके आ जाए, ऐसे सरकार में नहीं हो सकता था। तो बस हम उसके फ़ैन हैं, इसी बात के फ़ैन हैं कि उन्होंने ऐसे 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 कार्य किए हैं जो कोई नहीं कर सकता था। ये कहना चाह रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, उसके साथ ही विदेश नीति जो है मोदी जी की बहुत अच्छी है, बहुत टॉप है, बस हम बस वहीं से जुड़े हैं और किसी से कोई मतलब नहीं, कौन सांसद कौन विधायक, उसके ऐसे कार हैं जो बस सिर्फ उसी के फैन हैं। कुछ और लोग भी हैं उनसे बात करेंगे, दुकानों पर चलते हैं, दुकान पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल है क्षेत्र का। भाई साहब ये बताइए कि इस बार चुनावी माहौल क्या है इस क्षेत्र का, किसको किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने जा रहे हैं आप लोग? मुद्दा क्या है, ये है कि जिस सरकार में काम बढ़िया होगा उसी को हम वोट देंगे, बस यही है। फिलहाल माहौल तो ठीक है, सिस्टम ठीक है, बस वही माहौल ठीक है तो उसी को वोट देंगे बस। कि मतलब ये लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में काम हुआ है आपके क्षेत्र में, बदलाव कुछ देखने को मिल रहा है? अब देखो सरकार कोई भी बनेगी, अब हर एक का संतुष्ट तो नहीं कर सकती सरकार कोई भी हो, लेकिन बस ये जितना काम हो रहा है संतुष्ट हैं तो बस उसी को वोट देंगे, बस वोट देंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके दिल की राय, उनके मन की राय और जानेंगे उनके 24 की च्वाइस क्या है। कुछ और जगहों पर चलते हैं, आप बताइए क्या है क्षेत्र के मुद्दे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? इस समय चुनाव जो है माहौल का यहाँ पर भाजपा का हो रहा है, यहाँ पे जो है इस समय 400 पार का जो आंकड़ा चल रहा है वो सत्य होगा, 400 पार बिल्कुल होगा भाजपा की। कुछ महिलाएं और हैं उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या वास्तव में उन्हें किसी योजना का लाभ मिला है, अगर योजना का लाभ मिला तो वोट किसको देने जा रहे हैं। पहले मैम ये बताइए कि आप जन सुविधा केंद्र में मौजूद हैं, क्या काम कराने आई हैं? पैसे निकालने आए हैं। पैसे निकालने हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगा अब। हाँ ये बताइए चुनावी माहौल किस तरह है, वोट किसको देंगे इस बार? मोदी को। मोदी राशन दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हो, इसी वजह से। हाँ कुछ और लोगों से मिलेंगे, कुछ और जगहों पर जाएंगे और जानेंगे उनकी 24 की च्वाइस क्या है। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में कुछ काम हुआ है, कुछ परिवर्तन आया है या नहीं। पचौर गांव गुजिया के लिए मशहूर है, खोए की गुजिया यहां पर बनाई जाती है और क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर यहां पर इसे खरीद करके ले जाते हैं। मिठाई है, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किसको मिठाई खिलाने जा रही है, किसका मुँह मीठा कराने जा रही है। भाई साहब आप दुकानदार, आप ही बता दीजिए कि इस बार माहौल किस और दिखाई पड़ रहा है चुनाव को लेकर के? माहौल तो 400 बारिश समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी जी की जो रैली हुई है वो बहुत ही ज़्यादा जनसैलाब कानपुर के अंदर बना हुआ रहा था और बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। तो यहाँ जितने भी हैं कानपुर की सीटें तो लगभग मोदी जी की ही जाएंगी। आप मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, बताइए आपके जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने कितना काम कराया भाई साहब, क्या स्थानीय सांसद यहाँ पर आते हैं, कुछ काम वाम कराया यहाँ पर? काम की तो बात अलग की है, लेकिन मतलब जो है होना नहीं को है, मतलब और इसके अलावा कोई नहीं। गठबंधन से आदमी परेशान कि 6-6 महीना बाद मतलब जो चुनाव हुई है का फायदा है सेना, और मतलब जो है 6 महीना हुई बनी है कहो 6 महीना बाद पुनः चुनाव आ जाए, ऐसे अच्छा कि मतलब एक आदमी चुनाव खींचतान ना हो, 5 साल एक ही आदमी रहे। और ये विश्वास आपको है कि इस बार मोदी ऐसे हैं जो 5 साल तक सरकार चला सकते हैं? चला सकते, दूसरा कोई चला ही नहीं सकते हैं। अब बताओ 32 हो रहे हो भैया, अखिलेश अलग कहीं हैं, वही तेजस्वी अलग कहीं हैं, ममता बनर्जी अलग कहीं हैं, वो अर्जुन खड़गे वो अलग कहीं है, तो ऐसे कैसे काम बनी है? मतलब जो है ये सब बोझ तो पब्लिक के ऊपर ही लदेगा।
पब्लिक के ऊपर बोझ लगेगा, बहुत समझदारी वाली बात की आपने। भाई साहब आप बताइए किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में, इस बार कौन जीतने जा रहा है? यहाँ बीजेपी जीत रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, आपकी मोदी सरकार 400 पार, और कानपुर लोकसभा जीतेगी बीजेपी और कानपुर देहात जीतेगी और मिश्रिक से अशोक रावत जी जीतेंगे। उन्होंने बहुत विकास किया इस क्षेत्र में मिश्रिक में, और उनके टक्कर का कोई नहीं है, और गठबंधन की सरकार एकदम फेल हो जाएगी, अब की 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और मोदी सरकार अब की 400 पार जाएगी। गठबंधन 100 सीटें भी नहीं जीतेगा आप कह रहे हैं, आप ये बताइए भाई साहब किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, क्या चुनावी माहौल है? माहौल तो सही है सर, मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार काम अच्छा कर रही है। क्या क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? रिंग रोड भी अच्छा लगता है और राशन भी देते हैं, सब काम अच्छा होता है। आप बताइए किस मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे इस बार, क्या ध्यान में रखेंगे वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, जहन में क्या आएगा? विकास अच्छा किया है मोदी सरकार ने और अच्छा उसका शासन व्यवस्था रही है, कन्या सुरक्षा रहा है और गरीबों का भी ध्यान दिया, सबको राशन मिला है, पुराना से अब तक कोई भूखा नहीं रहा उसकी सरकार में, बस यही है। और विकास क्या चाहिए हम लोगों को, अपनी मेहनत से कमाओ आगे बढ़ो, और इतनी मदद मोदी सरकार कर रही है, बस अब भैया सुन लो। भाई साहब आप बता दीजिए क्या लगता है? अच्छा लगता है भाई, सरकार बढ़िया है, बाकी और ज़्यादा बात करनी है। जीत कौन रहा है यहाँ से इस बार? मोदी नहीं करेगी, बीजेपी है, बीजेपी को ही वोट करेंगे बीजेपी। कुछ और लोग भी उनसे भी जानेंगे, बुजुर्ग उनसे बात करते हैं। चाचा ये बताओ कि कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? मोदी, मोदी देंगे। अब क्यों, क्या किया है वो, क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिला आपको, क्या लाभ मिला? हाँ कॉलोनी मिली, सब कुछ मिला, राशन भी मिला, राशन भी मिला। काम और विकास का काम हुआ, सड़क वड़क बनी आसपास की नहीं बनी? कुछ बिल्कुल बनी, बनी हुआ, अच्छा काम कर रहा है वो, अच्छा काम हो रहा है, और उसी को देंगे हम। तो पचौर गांव के लोग हैं, पचौर गांव के लोगों को आपने सुना, जिनकी चॉइस आपने जानी। अब हम चलेंगे चौबेपुर, चौबेपुर के इलाके में अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी 24 की चॉइस क्या है। मिश्रिक लोकसभा के चौबेपुर कस्बे में पहुंच चुके हैं हम, चौबेपुर कस्बा, जहां पर बाजारें हैं, बाजार है, बाजार के अलावा तमाम ग्राहक हैं यहां पर मौजूद, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है, किस तरीके की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है और पिछले कुछ सालों में क्या विकास हुआ है, और इस बार जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में क्या रहेगा, उनकी 24 की चॉइस क्या है। कुछ लोग मौजूद हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं वो चुनाव को लेकर के। भाई साहब ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव सिर पर है, क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे? मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे हम लोग। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? बेरोजगारी मुद्दा, मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, ये चरम पर है। हम लोग इस मुद्दे के साथ ही अपना अपना वोट का अधिकार, मत का अधिकार करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। पिछले दो बार से भाजपा के सांसद यहाँ पर हो रहे हैं, कितना विकास देखने को मिला है यहाँ पर क्षेत्र में, क्या कुछ बदलाव हुआ है? कुछ लोगों का विकास हुआ है, जो भाजपा के लोग हैं, व्यक्तिगत लोग, उनका विकास हुआ है, बाकी जमीनी कोई या किसी व्यक्ति का या किसी उस ग्राम पंचायत का किसी का विकास नहीं हुआ है। अवैध खनन से रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, सांसद जी अपना जो 10-5 लोग उनके लगे हैं उन्हीं के हिसाब से ना अपना काम करते हैं, वही होता है, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कितना विकास हुआ है पिछले 5-10 सालों में यहाँ पर, और इस बार जब वोट करने जाएंगे आप तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, और ये जो है किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रहे थे, आज तक किसान की आय तो दुगुनी हुई नहीं, ये मुद्दा रहेगा। जो 15 लाख रुपए कह रहे थे वो मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गांव क्षेत्रों में विकास की बात है तो 1% अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं, और हो सकता है कि जब 10 साल में नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में भी नहीं होगा। बदलाव के लिए देख रहे हैं आप लोग, लगातार दो बार से बीजेपी के सांसद यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। आपकी जो है पब्लिक जो है खेत में, किसान परेशान है साड़ों से, मतलब जो रात रात भर रखा रहे खेत, कोई सुनने वाला नहीं है, वो किसान इतना परेशान है तो इसकी कोई सीमा नहीं, किसान को बंधुआ मजदूर बना दिया। हाँ, और का नाम जो है अब की जो है 100% यहाँ बदलाव, 100% बदलाव होगा। भाई साहब आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा यहाँ पर, किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट करने जा रही है? मुद्दे देखो, बच्चों के भविष्य को लेकर के, और व्यापारियों के व्यापार लेकर के, किसानों के खेत लेकर के, जो मुद्दे हैं, मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, बदलाव जैसे पब्लिक नहीं कह रही है 100% है, तो 100% है, संविधान बदलने जा रहा है,
तो संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, और पब्लिक अपने दुकानदार जैसे चाय वाले हैं या खोमचे वाले हैं तो अपने अपने दुकान दे के वोट देंगे, तो बदलाव का 100% बदलाव होगा भाई साहब इस बार यहाँ पर, कि इस बार फिर से सांसद रिपीट होंगे यहाँ पर तीसरी बार हैट्रिक। ये तो 15 साल से हुए हैं सांसद, ये कहीं किसी के यहाँ गए नहीं, ये आपकी पक्का हारेंगे, दिखाई नहीं पड़ते क्षेत्र में, अभी आए नहीं, कई बार ये भगाए गए, कई जगह इनके लगे वो बोर्ड गृह प्रवेश, गांव में घुस नहीं सकते, गांव में घुस नहीं सकते लिखा हुआ है, कासामों में लगा हुआ था, एक महीना हो गया। क्या वजह है, क्यों नाराजगी है जनता में? इस नाराजगी ये है, सांसद बन जाते हैं लहर में, आते हैं नहीं, कोई काट देता है चलो शादी में आएंगे, हमारे सांसद जी ये आते नहीं, न काम करते न रोड काम, हमारा गांव निशोन है, ये कभी नहीं गए हमारे गांव, भाजपा 30 साल से वोट मिलता, 100 मीटर सीसी नहीं दी, बीजेपी वालों ने जो कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष कोई भी है कुछ नहीं काम करता है, बस केवल आते हैं जय श्री राम, बस जय श्री राम के नाम पर इस बार वोट नहीं मिलेगा आपकी, नहीं मिलेगा। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या राय है उनकी 24 की, उनकी चॉइस क्या है। वैसे आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, इस बार मिश्रिक लोकसभा से आप किसकी तरफ देख रहे हैं? बदलाव की तरफ देख रहे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सांड घूम रहे हैं, रोजगार है नहीं कहीं पे, महंगाई चरम पे है, यही मुद्दे हमारे हैं, यही मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट करेंगे, इन्हीं ध्यान करके वोट करेंगे। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं, भाई साहब क्या लगता है कितना काम हुआ है पिछले 5-10 सालों में यहाँ पर? बहुत अच्छा काम हुआ है 5 साल में, देख लिए किसान लोगों को, हम लोगों को 2-2 हज़ार मिल रहे हैं, राशन पे सरकार बन रही है, उनका राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए, राशन दे रहे हैं, 2000 पेंशन दे रहे हैं किसानों को, गांव-गांव में काम है नहीं बचा है, इतना सब लहर है गांव में, कौन काम हुआ है भाई साहब? क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र की? बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो राशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा साढ़ चल रहे हैं, तो यही है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, बेरोजगार है आदमी, परेशान है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। तो कुछ और लोग भी उनसे ही बात करेंगे, उनसे मिल करके जानेंगे कि आखिर क्या है उनका रुख, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होने जा रहा है आप वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? अब जैसे 70 सालों में आज तक जो काम नहीं हुआ और ये मोदी सरकार बनी तब से हमारे यहाँ हाईवे बना और राशन वगैरह मिलता रहा और उज्ज्वला सिलेंडर मिला, तमाम ऐसी योजना जो है जनता को मिलती रही और 70 सालों में आज तक जो हमारे यहाँ जो काम नहीं हुआ मिश्र की लोकसभा की बिल्लौर विधानसभा में वो हुआ। हमारे यहाँ जैसे हाईवे निकला तो अब हमारे यहाँ हाईवे निकला तो उसमें ज़मीनें महंगी हुई और जो है विकास हुआ और कीमतें बढ़ी, तमाम ऐसी योजनाएं और वो आयुष्मान कार्ड, फ्री इलाज कराने, तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि क्या स्थानीय सांसद ने काम किया? तमाम लोगों में बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है कि जनता के बीच में आते नहीं है वो। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये इस चुनाव में ये हो रहा है कि प्रत्याशी की कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रत्याशी की कोई मांगे नहीं है।